हेलो गाइज, आप देख रहे हैं टेक्निकल लगाना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ऑडियो डिवाइस नॉट फाउंड के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। अगर आपके भी ड्राइवर में, आपके पीसी में जो ड्राइवर है ऑडियो डिवाइस का इंस्टॉल नहीं है या फिर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप किस तरह से उसको फिक्स कर सकते इस प्रॉब्लम को। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें आपको कई सारे ऐसे मेथड बताऊंगा जिसके हेल्प से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जिससे कि मैं किस तरह से इसे सॉर्ट आउट कर पाया था। जब मेरे साथ हुआ था, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, तो मैंने इसे कैसे सॉर्ट आउट कर पाया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप उन सभी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, मेथड को फॉलो कीजिएगा, किसी न किसी एक मेथड से आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जरूर होगा। सो गाइस, चलिए फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड के लिए आपको यहाँ पे दिस पीसी दिख रहा है कंप्यूटर फाइल में, आप विंडोज 10, 7, 8 सभी में सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर दिखेगा, डिवाइस मैनेजर पे आइएगा। डिवाइस मैनेजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियो का आपको डिवाइस दिखेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ऑडियो का इनपुट आउटपुट ड्राइवर इंस्टॉल है इसमें। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे अनइंस्टॉल दिख रहा है आपको, या फिर आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जितने भी ऑडियो का ये वाला दिख रहा है इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये भी अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। जैसे आप इसको अनइंस्टॉल करते हैं, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए। सो जैसे पीसी रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होने के बाद आपका ऑटोमेटिक से ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड में अगर आपका ये फर्स्ट मेथड वर्क नहीं करता है, आप जिस अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल भी कर चुके, रिस्टार्ट कर चुके, तो उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड में आपको स्टार्ट मेन्यू में आना है, देन आपको यहाँ पे सर्विस टाइप करना है, SERVICE सर्विस टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करना है और ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपको यहाँ पे विंडोज टाइप करना है, WIND। यहाँ आप देख सकते हैं विंडोज ऑडियो यहाँ पे लिखा आ रहा है, शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मेरे पहले से इंस्टॉल है तो ये रनिंग कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डबल टैप क्लिक कीजिएगा, देन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहा होगा। अगर ये डिजिबल होगा तो आप इसको ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक पे क्लिक करके ओके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी यहाँ से नहीं हो रहा होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो स्टॉप तो नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो स्टॉप होगा तो आप इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे स्टॉप करूंगा और स्टॉप करने के बाद फिर से आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। देन ऑटोमेटिक हो सकता है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने से भी आपका ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल हो जाए। होता क्या है कि कई बार आपके कई सारे फाइल्स डिलीट हो जाते हैं, जिसके कारण से कि ऑडियो डिवाइस स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण से ऑडियो नहीं आने लगता है। तो आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड के लिए आपके पीसी में जो कि साउंड वाले स्पीकर का जो आइकन है उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेबैक पे क्लिक करना है। प्लेबैक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीकर दिखेगा, डबल टैप क्लिक कीजिएगा। देन आपको यहाँ पे इनहेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिजेबल ऑल, देन आपको यहाँ पे इन सभी को डिजेबल कर देना है। डिजेबल करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आप फिर से प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिएगा। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आपको एक एक करके इसमें से चेक कर लेना है कि आपका पीसी में आवाज आ रहा है कि ना। टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप इन सभी में से एक जो भी आपके कंप्यूटर में सपोर्ट कर रहा होगा उसको क्लिक करके, अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। देन गाइस, नेक्स्ट मेथड जो आता है उसके लिए आपको दिस पीसी में आना होगा, फिर से मैनेजमेंट में आना होगा। मैनेजमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से डिवाइस मैनेजर में जाना होगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जो साउंड वीडियो वाला जो दिख रहा है यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस जो सेलेक्ट है, ऑडियो डिवाइस को सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ब्राउजर लेट मी पिक, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी इसके अलावा या फिर इसको सेलेक्ट करके देन फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज सक्सेसफुली ड्राइवर अपडेट। सो इससे होगा ये कि अगर आपकी विंडोज में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा ऑडियो ड्राइवर का, तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे इसको ओके करते हैं तो आपसे रिस्टार्ट के लिए ऑप्शंस मांगता है, तो आप जैसे इसको ओके करते हैं तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा और सक्सेसफुली आपका ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल चलिए हम यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं। गाइज, नेक्स्ट मेथड के लिए आपको दिस पीसी पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल करना है साउंड डिवाइस को, साउंड कार्ड को। उसके लिए आपको एक्शन पे क्लिक करना है। अभी ऑप्शन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, टिक करना है। देन आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद जब नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे साउंड डिवाइस दिखेगा, साउंड वीडियो गेमिंग कंसोल दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनुअली इसको इंस्टॉल करना है। तो इसमें आपको
इसमें आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर में एक रिलेटिव नाम का ऑप्शन मिलेगा, मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है आप में भी अगर दिखाई ना दे, अगर आप में दिखाई देगा तो आप जैसे कि नॉर्मली रिलेटिव, अगर ये रिलेटिव होता तो रिलेटिव पे क्लिक करते, देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा होता है रिलेटिव, तो इस पर टिक करके नेक्स्ट कर देते और इंस्टॉल कर लेते। लेकिन अगर आप में ये ऑप्शन नहीं होगा, बहुत पीसी में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हाई डेफिनेशन ऑडियो सेटिंग्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देन आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और फिर जैसे ही आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेंगे तो फिर आपके पीसी में ऑटोमेटिक से इंस्टॉल हो जाएगा कार्ड डिवाइस। सो गाइस, इन सभी मेथड को फॉलो करने से भी अगर आपके सिस्टम में ड्राइवर कार्ड इंस्टॉल नहीं होता है तो अब आगे आपको एक ड्राइवर को इंस्टॉल कर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस है। मैं इसके बारे में अपने दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ, तो आपको इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इस वाले ट्यूटोरियल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ पे टाइमिंग भी डाल दूंगा, तो आप उस टाइमिंग से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे ऑडियो डिवाइस को क्लिक कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑडियो डिवाइस को, देन आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली अगर आपके सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा साउंड ऑडियो ऑडियो कार्ड का, तो आप वहां से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, अगला जो नेक्स्ट मेथड आता है उसके लिए आपको यहां पे स्टार्ट मेन्यू में आना होगा। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद आपको यहां पे ट्रैवल सूटर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहां पे इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको यहां पे प्लेइंग ऑडियो ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, देन आपको रन ट्रैवल सूटर पर क्लिक कीजिएगा। आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक से सर्च कर लेगा, देन आप यहां से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले से नहीं होता है तो यहां पे सेकंड भी दिया हुआ है, तो आप इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं और यहां से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, अगला जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं वो विंडोज के हर वर्जन में यूज़ नहीं हो पाएगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 में यूज होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि विंडोज 7 अब एक्सपायर कर चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है विंडोज 7 एक्सपायर कर चुका है, विंडोज उसका अपडेट नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन सिर्फ विंडोज 10 में इसलिए वर्क करेगा क्योंकि विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट इसका अपडेट देता है। आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको विंडोज एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आना है, देन आपको अपने सिस्टम से नेट कनेक्ट करके चेक अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपके ड्राइवर में आपके सिस्टम में अगर कोई ड्राइवर इंस्टॉल होना रहेगा, कोई ऐसा अपडेट होगा जो कि डिलीट हो चुका होगा, या फिर कुछ ऐसा अपडेट है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, और आप जैसे ही उसे आप अपडेट कर लीजिएगा तो आपके सिस्टम के अनुसार से रिक्वायरमेंट से जितने भी ड्राइवर हैं इंस्टॉल होने आपके पीसी में, वो ऑटोमेटिक से इंस्टॉल हो जाएंगे। सो गाइस, मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड बताए जो पर्सनली मैं भी यूज़ किया हूँ, और इसमें से बहुत सारे मेथड से मेरे पीसी में इंस्टॉल हुआ भी है ड्राइवर। सो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पीसी में साउंड का रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को टर्न ऑन कर दे ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे वो पर्टिकुलर वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।